पूजा एनुअल हो गया है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज है 20 दिसंबर और मुझे ट्रैवल करना है 25 जनवरी को। सो आज मुझे कुछ पैकिंग करनी है, उसके लिए मुझे कुछ सामान परचेस करना है। तो मैं जाऊंगी थोड़ी देर के बाद शॉपिंग करने, मतलब थोड़े से ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ट्रैवलिंग के लिए जो लगती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बैग पैक करते वक्त कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है, क्योंकि मैं 21 डेज़ के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें लगी कि वहाँ पे भी मिलती है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलती है, फिर भी अपने पास रहता है तो अच्छा रहता है। वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती है, मिल भी सकती है, लेकिन कौन ढूंढेगा। मतलब 2-3 दिन जाते हैं हम तो थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, तो इसीलिए अपने पास अगर चीज़ें रहती हैं तो वो यूज़फुल होती है। इसीलिए मैं पहले से ही सारी चीज़ें पैकिंग करके लेके जाती हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्रैवल में किया था। जिन्होंने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए और सारे व्लॉग्स इंजॉय करिए। बाली और मलेशिया के जो टूर है मैंने सारे कैप्चर करके वीडियो में डाल दिए हैं। तो अभी बच रहे हैं 10:30 और मैं जाऊंगी बाहर आधे घंटे के बाद। मायरा भी उठी नहीं है, जब वो उठेगी उसको फ्रेश करके खाना खिला के उसको स्कूल छोड़ दूँगी और फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो चलो चलते मिलते हैं बाहर ही। अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। और मम्मा कहाँ जाएगी? घूमने। मायरा को भी मैं स्कूल में छोड़ूंगी और उसके बाद जा रही हूँ मैं बाहर, है ना मट्टू? हाँ, आप चलो भी मम्मा के साथ। किससे दे दे? लव यू मायू, लव यू। फोटो? फोटो खींचू? किसका फोटो खींचू? किसका फोटो खींचू? मायरा का। ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑटो बुक कर लिया था, तो ऑटो आ गया है, जल्दी ऑटो मिल गया, अच्छा हुआ। क्योंकि मेरी बाइक जो है मेरी सिस्टर लेके गई थी अपने ऑफिस में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऑटो से जाओ या कैब से जाओ, बट मुझे ऑटो का जो जर्नी बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ बिस्किट्स, टोस्ट और जो भी चाय के साथ चीज़ें होती है स्नैक एंड ऑल, तो वो भी मुझे लेना था। और जो मुझे लेके जाने वाली चीज़ है ट्रैवलिंग में पेस्ट एंड ऑल, वो भी मैं परचेस करूँ। मैं सोचूँ कि कौन सा ले लूँ। मैं एक्चुअली सेंसोडाइन यूज़ करती हूँ तो, और मुझे पतंजलि का भी दिखा तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि कौन सा ले लूँ, तो लेकिन मैंने लास्ट में सेंसोडाइन ही लिया। और फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा। मुझे एक्चुअली छोटी बैग चाहिए थी आटा की, लेकिन यहाँ पे 5 kg की थी तो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने 5 kg ही ले ली। सोच रही हूँ कि अगर बच जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है वो सारी मैंने ली है। और भी मुझे, मैं आज ऊपर वाले सेक्शन में नहीं गई, सिर्फ मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग करी है नीचे वाले सेक्शन में, क्योंकि इधर ही बहुत टाइम हो गया था और मुझे मायरों को ज़्यादा टाइम तक स्कूल में भी नहीं रखना था। सो मैंने जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ली है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा मेरा जो ट्रॉली भर चुका है, और मैंने जितनी चीज़ें चाहिए थी, मुझे रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से परचेस कर ली है। तो देख पा रहे होंगे आज वीकडेज थे, फिर भी भीड़ काफ़ी थी। मुझे लगा कि वीकडेज में भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ काफ़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगा ही मुझे बिल एंड ऑल करने को। सो अभी मेरा सब हो गया है बिल, और फिर से मैंने ऑटो बुक किया, और एक्चुअली बाहर ही मिला मुझे, तुरंत बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैं यहाँ पे अभी ऑटो में सामान रख रही हूँ और फिर हम चलते हैं घर पे। So, अभी हम आए हैं डी मार्ट से शॉपिंग करके, और फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें वहाँ पे, क्योंकि आज मुझे लगा वीकेंड है और हम दोपहर में जा रहे हैं तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा ही वहाँ पे भीड़ होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अभी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ लेके जाने के लिए। कुछ चीज़ें मैं लेके जाऊँगी, कुछ चीज़ें मैं यहीं पर रखने वाली हूँ,
लेकिन दोनों के लिए मैंने सामान लाया। मेरी वैसे भी ग्रोसरी थोड़ी कम हो गई थी तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ सारी चीज़ें ले लेती हैं एक ही साथ। तो चलो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो लिया मैंने ये हनी तो चाहिए, ये वन बाय वन गेट वन फ्री था तो दो ले लिया, नहीं तो वैसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, एक भी रहता तो काफ़ी हो जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, घर पे भी, तो ये चीज़ तो सबको चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये लिया मैंने मैगी, और सॉस चाहिए था मुझे, तो ये घर के लिए मैंने बॉटल ख़रीदा, और सेम मैंने एक पाउच ख़रीदा है, मुझे लेके जाने के लिए कहाँ गया दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये घर के लिए मैंने लिया है, और मुझे ये मैगी का ही पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, और बाकी जो ब्रांड के हैं ना वो थोड़े से मीठे होते हैं तो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगते, इसलिए मैं हमेशा ना ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा नमकीन है तो थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ऐसे मैंने पाउचेस लिए हैं सारे इसके ओट्स के, अलग अलग लिए हैं, तो क्योंकि ये बहुत ईजी होता है कभी ब्रेकफास्ट करना या फिर इवनिंग की भूख लगी तो इसका डोसा भी बनता है, और हल्का फुल्का जैसे स्नैक का होता है ना, तो ये वाली चीज़ें मैं ट्रैवलिंग में हमेशा कैरी करती हूँ। मैगी हो गया, ओट्स हो गया, और जो स्वीट वाले ओट्स है वो भी मैं यूज लेती हूँ, लेकिन वो घर पे था पैकेट तो मैंने ये वाला लिया नहीं। उसके बाद मैंने लिए है ये पास्ता के दो पैकेट्स, टेंटिंग पास्ता तो सबको पसंद है, बच्चों को भी, तो पास्ता भी मैंने लिया है, ये भी मैं लेके जाऊँगी। और उसके बाद ओके, ये फलेरो लिए, ये तो अभी खाने के लिए ऐसे ही लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने लिए है ये दाल, और ये कुछ यहाँ पे रखूँगी हाफ हाफ डिवाइड करके और लेके जाऊँगी इसमें से हाफ मैं। उसके बाद लिए हैं मैंने बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मायरा एक्चुअली मीठे वाले नहीं खाती, ये मैंने मेरे लिए लिया है थोड़ा सा गुड्डे का, और ये जो है ये लिए है मैंने मायरा के लिए, तो ये ज़्यादा स्वीट है नहीं और हेल्दी भी है, हल्के भी है, तो ये दो पैकेट्स मैंने लिए हैं लेके जाने के लिए। और टोस्ट तो मेरे पास है घर पे बहुत अच्छे वाले, तो वो मैंने नहीं लिए। और ये मुझे इस बार नया आइटम मिला ये मार्ट में, बाजरा कुरमा करके, जैसे मैं मुरमुरा ही लेने वाली थी बट वहाँ मुझे ये दिखा, मैंने सोचा चलो टेस्ट करते हैं, अगर मायरा को अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम यही मैं परचेस करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसे, आप भी ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, देखते हैं कैसा लगता है। उसके बाद मेरा हमेशा ही फास्ट रहता है तो साबुदाना ये थोड़ा सा लेके जाऊंगी, थोड़ा यही पे रखूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बाई के लिए चाहिए था, तो बोले थे दीदी ये स्क्रॉच ब्राइट लेके आओ, तो ये लेके आई मैं, और साबुन भी ख़त्म हो गए थे मेरे। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये सेवई खीर के लिए, और ये मैं लेके जाने वाली हूँ क्योंकि ये वैसे रोस्टेड है तो फटाक से खीर भी बन जाएगी, दूध डाल दो और खीर बना लो, तो ये भी हो गया। और ये मैं राइस लेके आई हूँ, तो राइस ये पूरे लेके जाने वाली हूँ मैं क्योंकि वन मंथ के लेके जाना है तो एक केजी तो लगता ही है, ठीक है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये बेसन, ये भी हाफ़ लेके जाऊँगी, इतने की ज़रूरत नहीं है, बेसन ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ तो हाफ़ लेके जाऊँगी, हाफ़ यहीं पे रखूँगी। मिर्ची ऐसे ही तड़का वड़का लगाने के लिए लेके आई हूँ। और ये है फ्लैक्स सीड्स, तो इसकी मुझे चटनी बनानी थी फ्लैक्स सीड्स की, और तो मैं ये भी लेके आई हूँ, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और जीरा लेके जाना पड़ेगा पूरा पैकेट। और इसके बाद ये भी दो पैकेट्स लेके आई हूँ, एक्चुअली मैं ये पैकेट्स इसीलिए लेके आई हूँ, ये सारी चीज़ें घर पे हैं बट ये फुली लेके जाऊँगी, फिर पैकेट में पैक करूँगी ना तो फिर डर लगता है कि गिर गिर जाएगी, तो इसीलिए मैंने पूरे पैकेट्स ही लेके आए हैं, बच गया तो चलेगा लेकिन पैकेट्स के पैकेट्स भर के लेके जाऊँगी मैं। उसके बाद कहीं पर भी ट्रैवल करना है तो ये तो ज़रूरी है कि भाई खाना खाया नहीं पचा हमें तो चाहिए होता है, उसी के साथ मैंने पुदीना भी ले लिया, मतलब ये मैं कैरी करने वाली हूँ। और उसके साथ कपड़ों की साबुन, ये भी मुझे चाहिए थी, ये तो हाँ ये तो बता ही दिया मैंने कि ये लिया है। और ये पूरा का पूरा पैकेट्स मुझे लेके जाना था अचार का, डब्बे में तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि वो तेल तो हमेशा ही गिरता रहता है, तो ये वाला मैं पूरा पैकेट्स ही लेके जाऊंगी। उसके बाद मैंने लिया है ये झंडू बाम, ये भी मुझे लेके जाना है। और ये पिचकू जो मैंने बोला था कि मैं कैरी करूँगी तो मैंने ये वाला लिया है उसके लिए। उसके बाद मैंने लिया है ये प्लेट्स यूज़ एंड थ्रो के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी बर्तन वर्तन साफ़ करने का मन नहीं किया, ले लो भाई प्लेट में खा लो फिनिश करो। उसके बाद टिशू रोल, ये घर के लिए लिए हैं, और जो लेके जाने के लिए लिए हैं मैंने ये वाला पैकेट, ये मैं लेके जाऊँगी। उसके बाद पेस्ट की ज़रूरत थी, मेरे पास का फिनिश हो गया था, वैसे होटल में तो मिलेगा ही लेकिन अपना बड़ा रहता है तो वो अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने लिए है ये साबुन,
घर के लिए भी, और एक लेके जाऊंगी उधर। और आटा का मुझे एक्चुअली छोटा पैकेट नहीं मिला, मुझे 1 kg का ही लेके जाना था, लेकिन मुझे बड़ा पैकेट मिल गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये इधर ही रखूँ, और एक जिस दिन जाऊंगी उस दिन एक पैकेट लेके आऊंगी 1 kg का, क्योंकि वो ईजी पड़ेगा मुझे बैग में रखने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ वो 1 kg का लाऊंगी, तो ये मैं इधर ही रख देती हूँ घर के लिए। और उसके बाद नमक का भी पूरा पैकेट लेके जाऊंगी, क्योंकि ऐसे लेके नहीं जा सकती, ये है सॉफ। और कल गेस्ट आने वाले हैं, तो वैसे तो मैं दूध अलग वाला यूज़ करती हूँ वेदास का, लेकिन अभी गेस्ट वेस्ट आएंगे तो चाय ज़्यादा ही बनती है, तो ये पैकेट लेके आई दूध का। डीमार्ट से मैं कभी दूध लेती नहीं, बट ले लिया। और आफ्टर लॉन्ग टाइम आज नारियल पानी पी रहे हैं, क्योंकि आज मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा धूप है। एक्चुअली मेरे घर में धूप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मुझे पता नहीं चलता, तो मैं नारियल पानी कभी भी नहीं पीती। लेकिन आज दोपहर में बाहर गए तो लगा बाप रे इतनी धूप है, तो नारियल पानी भी लेके आ गए। और ये हो गया ऑयल, ये तो इधर ही रहेगा, ऑफकोर्स मैं नहीं लेके जाऊँगी। और पापड़ तो लेके जाना पड़ेगा, खिचड़ी के साथ तो पापड़ चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है ये कॉर्नफ्लेक्स मायरा के लिए, और पनीर, और ये एक स्प्राइट घर में रहती है फ्रिज में, कोई आता है तो लगती है। उसके बाद अगर डी मार्ट गए और पॉपकॉर्न नहीं लिया, ऐसे तो कभी होता नहीं, तो ये मैंने पॉपकॉर्न भी ले लिए। और कुछ चीज़ें घर पे ही थी तो मैंने परचेस नहीं की। अभी ये सारी चीज़ें मैंने निकाली है, अभी मुझे ये सारी चीज़ें अभी के अभी बैग में पैक करनी है, तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं एक्चुअली पूरी बैग पैक करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और मैं कैसे ट्रैवल करने वाली हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।